हेलो एवरीवन, देखिए हमने आपसे कहा था कि सीओक्यूपी 12 एंड 11 में आपको टोटल 15 मार्क मिलेंगे। सीओक्यूपी 12 में सभी 15 मार्क एक्टिवेट हो चुके हैं। सीओक्यूपी 11 में आज रात यानी 1 मार्च 11:30 PM तक उसमें भी सभी मार्क एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड सभी मार्क जो है ये बाइलिंगुअल हैं। स्टार्टिंग के जो 5 मार्क हैं, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में शो होंगे, क्वांट और रीजनिंग भी इंग्लिश में शो होगा। लेकिन जो मार्क नंबर 6 to 15 है ये बाइलिंगुअल है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस शो होंगे। आपको इस तरीके से शो होगा, दिखाते हैं आपको। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है देन हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, एंड मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे ये बाइलिंगुअल होंगे। एक साथ आपको सभी क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिखेंगे एंड हिंदी में भी दिखेंगे। तो आपकी दो डिमांड थी, एक बाइलिंगुअल, तो ये बाइलिंगुअल भी हमने कर दिया। 15 मार्क आपने कहा था इंक्रीज करने के लिए, 15 मार्क भी हमने इंक्रीज कर दिया है। एंड थर्ड हमने आपसे कहा था कि मिक्स मॉक भी आपको मिलेंगे। मिक्स मॉक का क्या मतलब है, 22 और 23 में अगर आपने पेपर देखा होगा तो सेक्शन वाइज पेपर नहीं आया है। 22 में लैंग्वेज तो एक साइड है लेकिन मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कंबाइन है। तो आपको क्या करना है कि हमने आपसे कहा था कि टोटल 15 में जो 10 सेट होगा ये सेक्शन वाइज होगा, लैंग्वेज, रीजनिंग एंड डी आई एंड मैथ्स। लेकिन जो अदर 5 मॉक हम आपको देंगे ये आपको मिक्स देंगे, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन जो है लैंग्वेज एक साइड होगा, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स होंगे। क्योंकि जब आप सेक्शन वाइज करते हैं ना तो उसमें एक स्ट्रेटजी होती है, आप सबसे पहले इंग्लिश कर लेते हैं फिर रीजनिंग कर लेते हैं, लास्ट में मैथ्स को ऐसे करते हैं, ठीक है, एक टाइम आप एलोकेट कर देते हैं। लेकिन जब ये मिक्स में आ जाएगा फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है 5 जो है हमने मिक्स भी कर दिया है। तो 1 से 10 तक जो है आपको सेक्शन वाइज आपको मिलेंगे, एंड इसमें जो 11 से 15 है ये भी सेक्शन वाइज ही है। इसमें 5 और मिक्स ऐड होगा, मार्क 16 to 20। जो 11 से 15 आपको यहाँ पे शो हो रहा है इसी को हम मिक्स में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो आप क्या करिएगा, 1 से 10 तक आप सेक्शन वाइज है तो उसे दे दीजिए, एंड 16 to 20 दीजिए। 11 से 15 अभी स्किप करिएगा, 16 to 20 दीजिएगा मिक्स वाइज, एंड देन उसी को जो है यहाँ पे हमने सेक्शन वाइज भी कर दिया है। तो अगर आपके पास टाइम हो देन आप उसको सेक्शन वाइज भी दे सकते हैं, सेम मॉक को जो है मिक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। इतना वैसे टाइम है नहीं, तो 1 to 10 सेक्शन वाइज दीजिए एंड 11 से 15 को स्किप करिएगा, 16 to 20 दीजिएगा। 16 to 20 में आपको मिक्स मिलेंगे एंड सॉल्यूशन जो है आपको सेक्शन वाइज ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेक्शन वाइज एंड मिक्स दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एंड इनरोल कैसे करना है आपको, तो सबसे पहले आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिएगा, COQP 12 पे क्लिक करिएगा, यहाँ इनरोल नाउ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे 599 में आपको 15 फुल लेंथ मिलेगा, 749 में 20 सेक्शनल टेस्ट भी है। सेक्शनल टेस्ट कैसे है, रीजनिंग एंड क्वांट में 2 या 3 चैप्टर कंबाइन करके सभी पेपर में जो है 20 से 30 क्वेश्चन है पीडीएफ फॉर्म में, एंड देन उसके वीडियो सॉल्यूशन है। ये टाइमर के साथ नहीं है, लेकिन ये जो 15 फुल लेंथ है ये टाइमर के साथ है। तो हमने आपको सेक्शनल इसलिए दे दिया है कि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो अभी सेक्शनल जो है नियर अराउंड 7 या 8 अपडेट है। 4 मार्च तक सभी 20 आपको सेक्शनल अपडेटेड मिलेंगे, एंड फुल मॉक तो ये अपडेट हो ही चुका है। तो यहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं, एंड इनरोलमेंट के बाद ठीक है देन आप मॉक टेस्ट ब्रेन स्ट्रॉम पे क्लिक करिएगा, एंड यहाँ पे जो आपकी मेल आईडी है उससे लॉगिन कर लीजिएगा। पासवर्ड आपको अभी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। आपने अगर स्टार्टिंग में क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया होगा, ठीक है, देन आपने पासवर्ड जनरेट किया होगा। अदरवाइज आपने अगर गूगल साइन इन किया है तो एक ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट हो जाता है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको अपना पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे आप सबसे पहले वेबसाइट पर न्यू लॉगिन कर रहे हैं देन क्रिएट अ फ्री अकाउंट पर क्लिक करिएगा। नेम, एड्रेस, यहाँ से आप पासवर्ड खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर गूगल साइन इन किया है, ठीक है ना, अगर आपने साइन इन विद गूगल कर लिया, ठीक है, देन लॉगिन तो हो जाएगा लेकिन एक ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, तो वो मॉक टेस्ट ब्रेनस्टॉर्म में उसकी ज़रूरत होगी। कोई भी इश्यू हो आप इस नंबर पर अपनी मेल आईडी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पासवर्ड हम लोग आपको सेंड कर देंगे।